फिल्म महज 4 दिन में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। विजय देवराकोंडा के लाइगर का कलेक्शन ऐसे जमीन चाट रहा है कि बस पूछिए मत। वैसे तो लाइगर IMDB पर इस साल की सबसे घटिया फिल्म के तौर पर पहले ही दर्ज हो चुकी है, लेकिन साथ ही अब एक और सवाल उठने लगा है कि लाइगर को बॉलीवुड का श्राप लगा है या फिर ये वाकई हद से भी ज्यादा बकवास फिल्म है। फिल्म ने तीसरे दिन हिंदी बेल्ट में मात्र 4,60,00,000 का बिजनेस किया है। वहीं तेलुगु स्पीकिंग बेल्ट में फिल्म ने करीब 12 करोड़ रुपए की कमाई की है, लेकिन पहले 3 दिनों का अहम बिजनेस अगर जोड़ भी दें तो भी फिल्म अभी 50 करोड़ से पीछे है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक और इंडिया से लेकर ओवरसीज तक हर जगह लाइगर सुपर फ्लॉप हो चुकी है। अब डर यह है कि सोमवार को फिल्म की कलेक्शन कहीं इतनी ना गिर जाए कि अगले शुक्रवार से पहले इसे थिएटर से हटाना पड़ जाए। साउथ के सेंसेशनल सुपरस्टार विजय देवराकोंडा के साथ ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बॉलीवुड की फिल्मों पर तो इस समय बॉयकॉट का श्राप ही चल रहा है, लेकिन यही बॉलीवुड की ऑडियंस अब तक साउथ की फिल्में खूब हिट करा रहा था। लाइगर को लेकर तो बॉयकॉट का ऐसा कोई खतरनाक माहौल भी नहीं था। पहले दिन फिल्म का कलेक्शन भी ठीक ठाक रहा, लेकिन हर बीते दिन के साथ फिल्म का कलेक्शन गिरता चला गया। फिल्म जिस तरह 50 करोड़ कमाने को भी तरस रही है, उससे तो यही लगता है कि इस फिल्म के बाद विजय देवराकोंडा का पूरा करियर खत्म हो सकता है। विजय ने साउथ में एक नो बॉडी के तौर पर अर्जुन रेड्डी जैसी इंटेंस फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई थी। साउथ में काम करने वाले विजय धीरे धीरे एक ऐसे मेगा स्टार बन गए थे कि बॉलीवुड में सब उनका इंतजार कर रहे थे। खुद विजय ने अपनी लाइगर को बहुत शिद्दत से प्रमोट किया था, लेकिन लाइगर के ऐसे हाल ने उन्हें सदमे में पहुँचा दिया है। आंध्र प्रदेश boxoffice.com ने लाइगर को डिजास्टर मूवी का अवार्ड दे दिया है। जी हाँ, हिंदी बेल्ट में लाइगर का लाइफ टाइम बिजनेस 25 करोड़ पर ही खत्म होने का आसार बताए जा रहे हैं। सोमवार से फिल्म का बिजनेस एक स्लो डेथ की तरफ बढ़ने लगेगा और उसके बाद इस फिल्म का बचना नामुमकिन सा है। विजय देवराकोंडा ने सोचा तो ये था कि लाइगर से वो पूरे इंडिया के स्टार बन जाएंगे और बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हो जाएगी, इसीलिए शायद वो दुबई में भारत पाकिस्तान का 2020 मैच भी देखने गए थे कि उन्हें वहाँ से भी अपनी फिल्म के लिए अटेंशन मिलेगी। हालांकि भारत तो वो मैच जीत गया, लेकिन ऐसा लगता है कि विजय देवराकोंडा बॉलीवुड में अपनी किस्मत के साथ साथ अपना फिल्मी करियर भी हार चुके हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।